बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने करीना कपूर खान के शो व्हाट वुमेन वांट यानी कि औरतें क्या चाहती है में दिल्ली के बारे में बातचीत की, जिसमें एक्ट्रेस ने दिल्ली को सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर बताया है। तापसी ने ये भी कहा कि जब वो दिल्ली में रहती हैं तब उनके माँ बाप को उनकी काफी फिक्र रहती है। वो रात में 8 बजे के बाद उन्हें हर 15 मिनट में कॉल करते हैं और हाल चाल लेने लगते हैं। इतना ही नहीं, तापसी ने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया और बताया कि दिल्ली में उनके साथ क्या क्या हो चुका है। आगे तापसी ने कहा कि आप खुद दिल्ली से हो और इंडिया में दिल्ली को सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर कहा जाता है, आपको ये सुनकर कैसा लगता है और आपको दिल्ली और अन्य शहरों में क्या अंतर नजर आता है? इस सवाल का जवाब देते हुए तापसी बोली, जब तक मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकली थी तब तक मुझे समझ नहीं आता था कि क्या अलग है। मुझे लगता था कि सब जगह ऐसा ही माहौल है, मुझे लगता था कि हर जगह डीटीसी बस में ही छेड़खानी होती होगी, लेकिन बाहर जाकर समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई के अलावा हैदराबाद में भी रह चुकी हूँ। आपसी ने इससे आगे कहा, दिल्ली में तो चलने में भी डर लगता था कि कब कौन कहाँ से आ जाए और हाथ लगाने लगे, लेकिन जब मैं दिल्ली से बाहर निकली मैं मुंबई के अलावा हैदराबाद में भी रह चुकी हूँ, मैंने चेन्नई में भी काम किया है। वहाँ जाकर मुझे समझ आया कि दिल्ली में ही सिर्फ ऐसा होता है, क्योंकि मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की लड़कियाँ किसी भी टाइम पर बाहर निकल जाती हैं। उनके माँ बाप भी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। मैं अपने शहर से काफी प्यार करती हूँ, लेकिन वो असुरक्षित है, इस बात को मैं नकार नहीं सकती। वहाँ डीटीसी बस का इस्तेमाल करने वाली हर लड़की ने ये महसूस किया होगा कि दिल्ली काफी असुरक्षित शहर है, क्योंकि डीटीसी बस में लड़के जानबूझकर आपके ऊपर गिरने की कोशिश करते हैं और आपको परेशान करते हैं। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।